नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से 5 नंबर की हेल्प से पिकॉक यानी कि मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 नंबर की हेल्प से। तो प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से यहाँ पर मार्कर पेंसिल उठा लीजिएगा या मार्कर पेपर पेंसिल जो भी आपके पास है जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे एक 5 नंबर लिखेंगे। 5 नंबर लिखने के बाद इसको थोड़ा सा आप ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से यूं ले जाएंगे, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। इससे आसान आपने अभी तक YouTube पर कहीं भी नहीं देखा होगा। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो ये हमारी 100% गारंटी है। प्यारे दोस्तों, आपको मोर का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऊपर के साइड में इसी के ऊपर ही आप ऐसे 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, इधर आप ऐसे छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा सर्किल बना दीजिएगा और आप इस नंबर की हेल्प से यानी इस तरीके से मोर का चित्र बनाकर अपने आसपास के लोगों को या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को दोस्तों चौंका सकते हैं। तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हम इसी तरह आपके लिए ड्राइंग लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको सब कुछ बनाना सिखा दें। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से दोस्तों इसको नीचे ले जाएंगे, ऐसे मिला दीजिएगा, लाइन को नीचे ले जाइएगा और इधर आसानी से आप मिलाइएगा। मिलाने के बाद आपको इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे के साइड में भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर गाइस, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इस लाइन की हेल्प से आपका इस प्यारा सा मोर का पंख बन जाएगा। इसको यहाँ से यूं मिलाएंगे, छोटा छोटा आर्क लगाइए, इधर ऐसे मिलाइए, इधर इधर और यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इधर भी आप ऐसे सर्कल बनाते जाइएगा दोस्तों। यहाँ से छोटे छोटे आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद इसको इधर से मिलाना होगा। ध्यान से देखिएगा, हल्का सा अंदर करेंगे, यहाँ से बढ़ाते हुए यूं मिला देंगे और इसी के आगे ही दोस्तों एक आप ऐसे वी लेटर लिखिएगा, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इस प्यारा सा पिकॉक का यहाँ पर चोंच बन जाएगा। इधर आप इसका आई बना दीजिए। देखिए कितना आसान है। इधर नीचे के साइड में आप एक 4 नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ से ऐसे आप डबल कर देंगे, ऊपर के साइड से डबल कर दीजिए, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर भी लाइन ड्रॉ करिए और नीचे के साइड में आप ऐसे ग्रास बना देंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से मोर का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। और हम आपको बता दें, हम इसको कलर करने के लिए ये कैमलिन ब्रश पेन यूज करेंगे। अगर आप इसको बाय भी करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी मदद से इस सुंदर से प्यारे से पिकॉक यानी मोर को कलर भी करना सीख लेते हैं।